नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClip.com। आज हम पहुँचे हैं अम्बेडकर नगर जिले के ब्लॉक कटहरी के ग्राम सभा प्रतापीपुर में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे भाई साहब, सारे सवालों का जवाब देंगे। जो प्रवासी मजदूर शहर से गांव की तरफ आए थे, रोजगार न उपलब्ध हो जाने के कारण क्या फिर से प्लान करने लगे या प्लान कर चुके हैं? गाँव में सेंट्राइज कितनी बार किया गया? कोरोना को लेके लॉकडाउन का जब शुरुआत हुआ, शुरुआती दौर चला, तो सुरक्षा के क्या बंदोबस्त किए गए? गाँव में जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको डिटेक्ट कैसे किया जा रहा था, क्योंकि कुछ मजदूर जो आ रहे थे वो छुपे रास्तों से, गुप्तनीय रास्तों से आ रहे थे, उनको कोई जान नहीं पा रहा था कब आएगा, उनको डिटेक्ट कैसे कर रहे थे? यही तमाम मुद्दे जो ग्रामीणों से जुड़े होते हैं, गाँव से जुड़े होते हैं, उन्हीं सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। पहला सवाल, अम्बेडकर नगर जिला अधिकारी महोदय की तरफ से आपको क्या दिशा निर्देश दिया गया था जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी? जी, एक जो है निगरानी समिति बनी थी। उस समिति में जो है हमारे पंचायत सेक्रेटरी साहब थे, प्रधान थे, और जहाँ चार आशा बहु हैं हमारे यहाँ, ये थी, रोजगार सेवक थे, सफाई कर्मी, हल्के सिपाही भी रखे रहे, सफाई कर्मी भी थे हमारे यहाँ, सिपाही रखे गए, सिपाही नहीं रखे गए, हल्के के सिपाही, हल्के सिपाही मतलब ऐसे आते जाते रहते थे, और कोने मतलब स्पेशली तो नहीं रखे गए थे। तो अपना आए लोग यहाँ, तो उनकी क्या व्यवस्था कैसे की गई? व्यवस्था तो वही जो है, जो निगरानी समिति मतलब जिम्मेदार, शुरुआती दौर में कहा गया प्राइमरी में रखने के लिए, नहीं, हमारे यहाँ जो है स्टार्टिंग में बहुत संख्या में तो लोग आए नहीं, इक्के दुक्के आए जो, तो अपने घर में ही जो है ये आइसोलेट हुए। उनको जो है सारा मतलब दिशा निर्देश जो है बता दिया गया। उनके परिवार के लोग भी जो है एक्टिव रहते थे, मतलब दिया 10-14 दिन के लिए जो है परिवार से अलग रहिए, अलग रहते थे। तो उस 14 दिन में उनकी कुछ आपकी तरफ से व्यवस्था की गई थी या प्रशासन की तरफ से? उस प्रशासन द्वारा जो है किट आया है, लेकिन उस 14 दिन में नहीं मतलब उपलब्ध हो पाया, बाद में उपलब्ध, हाँ उपलब्ध हुआ बाद, थोड़ा लेट हुआ, हाँ, थोड़ा ये था कि उनका कार्ड बना हुआ है और उनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रति महीने राशन दिया जा रहा था, इसके अतिरिक्त जो है उनको ओवर मंथ में जो है किट भी आया था और राशन की मात्रा गवर्नमेंट द्वारा बढ़ा दी गई थी, तो नियमानुसार जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था उनको जो है प्रोवाइड किया जा रहा था, और डायरेक्शन में हम लोग लगे रहते थे, उनको उनके सुझाव रहन पे विशेष ध्यान दिया जा रहा था। प्रधान जी की आप सहयोगी हैं? जी, हम यहाँ के ग्राम रोजगार सेवक हैं। रोजगार सेवक, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी सबसे ज़्यादा। मनरेगा के जो मजदूर आए थे, कितने मजदूर टोटल है मनरेगा में? मनरेगा में हमारे यहाँ 76 एक्टिव लेबर्स हैं। टोटल मतलब एक्टिव नहीं, जो टोटल नहीं, जॉब कार्ड बना हुआ था। कितने का जॉब कार्ड बना? बट 200 के लगभग मेरे कार्ड, हमारे यहाँ 200 जॉब कार्ड है, बट उसमें काम करने वाले ओनली 76 आदमी हैं, जो लेबर हैं, जो काम मांग रहे थे, जो बाहर से आए। 200 में सिर्फ 76 काम करने वाले थे उस समय, लॉकडाउन में भी 76 काम करने गई संख्या नहीं बढ़ी? नहीं, ऐसा नहीं, वो लोग जो मनरेगा का ये रूल है कि जो डिमांड मांगेगा उसको काम दिया जाएगा। हम लोग एक तालाब बनवा रहे थे, अलाउंस किए थे कि जिसको काम करना होगा आप वहाँ आइए, आपको काम दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो भी इच्छुक लेबर थे वहाँ पे आए, उनको नियमानुसार काम दिया गया। और आपका एक अकाउंट होता है आशा बहू के साथ, पहले NM के साथ हुआ करता था, अब आशा बहू के साथ, उस मद में पैसा, उस खाते में पैसा आया था इस बीच में लॉकडाउन? हाँ, आया था पैसा। 5 साल में कितनी दफा आया है उस अकाउंट? 5 साल में 2-3 मरतबा आया है। 2-3 मरतबा। सरकार तो कहती है हर साल हम भेजते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, जी सिर्फ 2-3 बार आया? बीच में जो है इसका जो है अमाउंट कम करके जो है दिया गया, और जैसे लॉकडाउन था तब से 2 किस्त आई है, 10 हजार की एक कहा गया कि 10 हजार भेजा गया, तो 10 जो किस्त आई है वो आशा बहु अपना जो है अपने व्यवस्था के अनुसार जो है केयर वगैरह आज जो है जो भी व्यवस्था थी उनको लिए,
लेकिन सरकार तो कही थी कि हम वो पैसा सेंट्राइज कराने के लिए दिए। कुछ किया गया उनसे, हमारे यहाँ गांव में जो है उनसे सफाई अकादमी द्वारा सेंट्राइज भी किया गया और कुछ व्यवस्था बैठने वगैरह की, जो स्टाफ भी आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ भी आते हैं बैठने के लिए, तो कुछ वो भी अपनी व्यवस्था किया। अच्छा, व्यवस्था की गई मतलब कुर्सी उर्सी जो रखी जाती है, ऑफिस ऑफिशियल काम जो लगाया गया पैसा। गांव में सेंट्राइज कितनी बार किया गया था? गांव में सेंट्राइज कम से कम 4-5 बार किया गया है, सफाई कर्मी के द्वारा जो है नाली वगैरह। और गांव के इनपुट जो मिले, गोपनीय तरीके से हम लोग इनपुट डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि ब्लीचिंग पाउडर का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, कोई दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं भैया, गाँव जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है, सिर्फ बदनाम करने के उद्देश्य से उनका ये मुद्दा था कि हर किसी को ब्लेम लगाना आसान होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें जो है नियमानुसार लिक्विड में हम लोग मंगाए, आरोप लगा, आपका कहने का मतलब आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना कठिन है जी। तो हम लोग खुद जो है उसमें जो है सफाई द्वारा जो है बंदी हुआ करती है गांव में, तो इस वजह से आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। आरोप तो लगते रहते हैं। लास्ट में हम आपसे सवाल करेंगे, कोई दो उपलब्धि बताइए जो पिछले पंचवर्षीय या इसके पहले कार्यकालों में नहीं हुआ, वो आपने काम करवाया, वो उसी काम को लेके हम जनता के बीच में अगले चुनाव में जाएंगे। अब आप ये मान के चलिए इस पंचवर्षीय योजना दरमियान और इसके 20 साल मतलब कम से कम 5 पंचवर्षीय योजना, उतना ईंटा नहीं लगा है जितना ईंटा इस पंचवर्षीय योजना में। खड़ंजे बनवाने का काम सबसे सबसे ज्यादा खड़ंजा लगवाने का वरीयता उसी को दिया रास्ते पे। और ये आप मान के चलिए हमारे यहाँ लगभग जितने भी रास्ते हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं है, वो सब पे लगभग खंजा है। सब पे है मतलब जो विवादित नहीं है, सब पे खंजा। अगले पंचवर्षीय में जब आपको चुनाव अगर गांव की जनता चुनती है जी, तो आपकी वरीयता क्या रहेगी? सबसे पहले काम कौन सा काम करवा देंगे आप जीतने के बाद? जो रोड मैप क्या रहेगा? विकास मतलब नहीं हो पाया है, जो छूटे हुए रास्ते हैं जो नहीं बन पाए हैं उनको बनाया जाएगा और लोगों को रोजगार इस कार्यकाल में जो काम नहीं हो पाया है उस पे जोर दिया जाएगा। हाँ। अच्छा, एक वजह यह रही कि स्टार्टिंग जैसे शासन का पैसा आता था उसका निर्देश भी आता है ये पैसे कहाँ खर्चा करने, तो एक हमारे यहाँ दो प्राथमिक कायाकल्प का निर्देश आया, कायाकल्प का निर्देश आया, तो एक विद्यालय शाहपुर में है इसी ग्राम सभा का, तो उसका कायाकल्प हो गया है। अभी एक आध विद्यालय और बचा, एक विद्यालय बचा हुआ है हमारा और उसका भी कायाकल्प होना है। इसीलिए ग्राम प्रधान हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार ने नाली खड़ंजे पे काम करने नहीं दिया। और दोनों विद्यालय में लैट्रिन बनी है बढ़िया इसी पीरियड में, शौचालय मतलब शौचालय बनी है, और हमारे यहाँ एक सामुदायिक शौचालय बन रहा है, आधा ज्यादा निर्माण हो चुका है, और प्रधान एससी होने के नाते एक शौचालय और मिला है सामुदायिक, जिसके लिए जमीन तलाश की जा रही है और ये जो है ग्राम सभा की ही जमीन पे बन पाएगा। मतलब दो शौचालय हो गए। हाँ, दो हो गया, एससी प्रधान होने के नाते, तो हमारे ब्लॉक में 22 एससी प्रधान है, ये 22 एससी प्रधान के यहाँ जो है एक एक्स्ट्रा गया, एक एससी के लिए है, एक सामान्य वर्ग के लिए। एक सामान्य वर्ग जी, तो इसलिए आपकी एससी होने के नाते से हमको दो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि आप दोबारा चुन के आए और गाँव का विकास करें। ये थे हमारे साथ ग्राम सभा प्रतापीपुर के प्रधान प्रतिनिधि के भाई साहब जिन्होंने पूरी जानकारी दी, जो भी आरोप लगाए उसे निराधार बताए। विरोधी तो हर गांव में होते हैं, इनका ऐसा कहना है कि विरोधियों का काम ही विरोध करना है, तो विकास को कहेंगे ही कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ, जबकि प्रधान जी का सबसे वरीयता रहे कि गाँव के जो रास्ते हैं वो दुरुस्त रहें, जल निकासी को लेकर कोई समस्या ना हो, इसीलिए जो रास्तों और नालियों के दिया प्रधान जी ने, अगले पंचवर्षीय में अगर जनता इनको दोबारा चुनती है तो इसी दोनों मुद्दे पे सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।